दोस्तों देखिए, इंटरव्यू में दो टर्म्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, आप कभी सोच भी नहीं सकते। और बोलने में हम अक्सर एक की जगह दूसरे का, दूसरे की जगह पहले का यूज़ कर लेते हैं, जबकि दोनों में बहुत डिफरेंस है। देर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। एक टर्म होता है अवॉइड, जहां तक हो सके अवॉइड करें। कई चीजें इंटरव्यू में हम उतने फर्मली रिफ्यूज नहीं कर पाते, वाइल एज पर दिस नोशन निग्लेक्ट मीन्स टोटली अनएक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल मीन्स रिफ्यूजेबल। रिफ्यूजेबल ओनली। देखिए कैसे आपकी पर्सनैलिटी को कोई हीरो से जीरो बना सकता है, आप कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब ये हो जाता है तो ज्यादातर कैंडिडेट्स मुझे ये कहते हुए दिखाई दिए कि यार, स्ट्रेट वे अगर रिफ्यूज कर देता तो हो सकता है कि मुझे वो पोजीशन मिल जाती जो एक मुझसे बहुत कमतर इंसान को मिल गई। आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, सी दे आर वेरी शॉक इंटरव्यूअर्स, आई मीन टू से द बोर्ड मेंबर्स आर वेरी शॉक आफ्टर फर्स्ट टू थ्री क्वेश्चंस। सडनली द फोर्थ मेंबर विल आइडेंटिफाई प्रॉपरली the lacunas, probable lacunas in our personality, and he will hit the same point. He is like most likely to hit the same point. आप किसी अपर पोजिशन के लिए गए हैं जिसकी सैलरी सो एंड सो अमाउंट है, 25,000, 30,000, 35 और 40, वट एवर इट इज, उससे नीचे की एक पोजिशन है। ऑफकोर्स यू आर एक्सपीरियंस्ड, यू हैव एन एक्सपीरियंस, बट ओइंग टू अ फ्यू हिडन लैक्यूना इन योर पर्सनैलिटी विच आर एक्चुअली नॉट एट ऑल कंप्लीटली एक्सपोज, दे आर स्टिल हिडन, स्टिल हिडन। अचानक से आपको एक ऑफर कर देता है मिस्टर सो, मिस्टर सो एंड सो, आप इस पोजिशन को न लेते हुए बिकॉज ऑफ योर सर्टेन डिग्री लेस एक्सपीरियंस यू जस्ट एक्सेप्ट दिस पोजिशन ऑफ सुपरवाइजर, मिस वन पोजिशन लेटर, वन पोजिशन लोअर। आप उसको अवॉइड करेंगे तो ये कहेंगे सर मेरा एक्सपीरियंस तो सफिशियंट है। बोले नो, एज पर आवर स्टैंडर्ड्स योर स्टैंडर्ड्स योर एक्सपीरियंस इज नॉट अप टू द मार्क, वो निश्चित रूप से यही कहेगा। जबकि एक्चुअली आप उस काम के लिए अगर अपॉइंट किए जाते तो आपसे पहले जो आदमी था जो छोड़ के गया है, जिसकी पोजीशन खाली हुई है, आप उससे बेटर कंडीशन मिला सकते थे उस काम को। बट
दिस इज एक्चुअली द हिडन एजेंडा बाय द एम्प्लॉयर टॉप नॉच मैनेजमेंट ट्राई टू ब्रिंग द पर्सन एट अ लेसर अमाउंट ऑफ मनी देन द प्रीवियस पर्सन वॉज ड्रॉइंग. अगर पिछला वाला 40,000 ले रहा था तो कोशिश करो कि 30,000 या 35,000 तक आ जाए, वन पोजिशन लोअर. और इलस्ट्रेट वे से ओके, अगर आपने मना कर दिया नहीं सर एक्सपीरियंस तो मुझे है, आप बताइए मुझे क्या करना है, ट्रायल पे ले लीजिए मुझे 15 दिन काम करके दिखा देता हूँ, अगर एक्सपीरियंस में कहीं कमी रह जाए तो उसके बाद बात करना. वो कहेगा ओके सैलरी थोड़ा कम देंगे. अब आप अवॉइड करना शुरू कर देंगे इसको. सैलरी का मैटर एक ऐसा मैटर है, आप अब यहीं कंपेयर करने लगेंगे कि मुझे वो 25 मिल रहे हैं, यहाँ ये 40 नहीं देना चाहता, 30 देना चाहता है. अगर आपके मन में है कि 5,000 के इंक्रीमेंट से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पहले जहाँ था वहाँ, अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ मेरा आधा लीटर पेट्रोल पड़ने लगता है, यहाँ अब 1 लीटर पेट्रोल पड़ने लगेगा, बात वहीं के वहीं पहुँच जाएगी. इससे तो अच्छा है पुरानी जगह पर होता, कम से कम पास में तो थी. एंड इट शैल बी हार्ड इनफ टू असाइन द मनी वैल्यू फॉर द गुडविल यू हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड. गुडविल दैट यू हैव अटेन्ड, दैट यू हैव कमांडेड. लेकिन आप अवॉइड कर जाएंगे, सर ठीक है सर कर लेते हैं, आप गलत हैं, आपने अपनी पर्सनैलिटी का खुद ही सत्यानाश कर लिया. बी फर्म स्ट्रेट वे, डोंट हेजिटेट टू से नो. लेट मी राइट दिस वर्ड, दिस सेंटेंस. मैं आपसे दोस्तों के आगे बात करता हूं यार, अरे यार इतना तो सख्त होना ही चाहिए इस दुनिया के लिए. आप कैसे किसी भी चीज के लिए हाँ कह देंगे? डोंट हेजिटेट टू से नो. नो सर, इतने से कुछ नहीं होता, महंगाई कितनी. आपसे अगर कोई कहेगा कि आप 10,000 रुपए पर मंथ कम ले लें, आप लेंगे? स्टेट पे बोलिए, अरे भाड़ में रही नौकरी वोकरी यार, हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है आई एम ऑन द वे टू कैरी आउट माई जॉब हंटिंग, नो प्रॉब्लम एज सच. बी स्ट्रेट वे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डोंट हेजिटेट टू से नो. ना मत कहो, उनकी ट्रिक अगर आपने नहीं चलने दी तो अंदर ही अंदर मान जाएंगे यार बंदा है बहुत बहुत तगड़ा. एक्चुअली ऊपर वाले ने ये पहले ही कह रखा होता है, मैनेजमेंट ने उनको, कि अगर कोई कद्दावर मिल जाए तो एनमिटी मत रखना, लेके आना, क्योंकि हमें अल्टीमेटली अपनी कंपनी चलाना है. डोंट हेजिटेट टू से नो, डोंट प्रिफर अवॉइडेंस, प्रिफर नेग्लेक्ट. हर ऐसा नहीं है कि हर जगह नेग्लेक्ट ही करें, लेकिन वेयर एवर यू फील समथिंग गोइंग एडवर्स टू योर पर्सनैलिटी एंड योर ट्रेट्स से नो. I'm not so. I'm experienced. That's all.